जी वेलकम बैक बच्चों, मुझे ये बताइएगा प्लीज कि आपको मेरी आवाज आ रही थी आखिर में, और मरियम परवेज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। मैं तो रिपीट भी कर रहा था लेकिन फिर मीटिंग खत्म हो गई। मरियम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। क्या आपको समझ में आया जो मैंने आखिर में बात बताई है? जी सर, पर ये यहाँ पे हम एक्सपेंस रेवेन्यू समरी क्यों क्रिएट करें? हम डायरेक्ट कैपिटल भी क्रेडिट कर दें और फिर जब टी अकाउंट बनाएंगे तो तब भी तो एक साथ मिल जाएगा ना। मतलब हेड ऑफिस अपना भी बाद में कैपिटल क्रेडिट कर दे, जब हम टी अकाउंट बनाएंगे तो सम अप तो हो जाएगा वहाँ पे भी। बिल्कुल, सम अप होने पे तो एतराज है ही नहीं मेरा बेटा, सम अप तो होना है। मालिक को एक प्रॉफिट के अमाउंट मिलने हैं, मालिक को ऐसे नहीं बोल के देंगे कि ये ब्रांच का प्रॉफिट, ये हेड ऑफिस का प्रॉफिट। हम मालिक को एक ही प्रॉफिट देंगे, लेकिन मसला यह है कि अभी हेड ऑफिस जब ब्रांच का प्रॉफिट सुनेगा तो वो उसे अपने पास रिकॉर्ड करेगा। ये नहीं कर सकता कि एक बार एंट्री बनाए ब्रांच डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, यानी उसने एक बार कैपिटल को बढ़ा दिया, उसके बाद फिर अपना प्रॉफिट निकाला और फिर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो इसका मतलब है एक एंट्री में यहाँ कैपिटल क्रेडिट हुआ आपके मुताबिक, और एक और एंट्री जो हेड ऑफिस की बुक्स में बनेगी जब हेड ऑफिस अपने एक्सपेंस और अपने रेवेन्यू को क्लोज करेगा तो फिर एक बार कैपिटल क्रेडिट करेगा। इसका मतलब है दो बार कैपिटल क्रेडिट होगा। नहीं, हम ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट ओनर के हवाले करते हैं। ओवरऑल चाहे ब्रांचेस 180 क्यों ना हो, 750 क्यों ना हो, सारी ब्रांचेस का प्रॉफिट हेड ऑफिस में रिकॉर्ड होने के बाद, हेड ऑफिस के सारे एक्सपेंस रेवेन्यू रिकॉर्ड होने के बाद जो ओवरऑल प्रॉफिट बनेगा वो एक बार दिया जाएगा मालिक को। समझ आई मेरी बात या अभी भी कंफ्यूज हो? नहीं सर, ओके। हाँ अच्छा, तो मेरे बच्चों बस बात इतनी सी है। अच्छा, अब मरियम ने बहस नहीं की, वो वैसे कर रही थी लेकिन फिर उन्होंने की नहीं, मेरा ख्याल है वो उन्होंने बोला चलो छोड़ो रहने दो, सर को समझ में नहीं आ रहा शायद। बात यह है कि अलग अलग रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है, बस डायरेक्ट कैपिटल में डालो और फिर हेड ऑफिस का प्रॉफिट भी कैपिटल में डाल दो। बात यह है कि ओनर के कैपिटल को ना बार बार फ्लक्चुएट नहीं किया जाता, आप जानते हैं ये बात सब बच्चे, सही है? इसी तरह अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी भी अपना रिटेन अर्निंग अकाउंट बार बार फ्लक्चुएट नहीं करती। रिटेन अर्निंग अकाउंट में एक ही बार प्रॉफिट जाता है ओवरऑल, चाहे चार कंपनियां हो चाहे तीन कंपनियां हो, चार कंपनियां तीन कंपनियां एब्जॉर्ब होने के बाद, एमएल कमेट होने के बाद जो प्रॉफिट कमाएंगे सारा का सारा रिटेन अर्निंग में एक बार जाएगा। इसी तरह जब हेड ऑफिस की चार ब्रांचेस होंगी तो चारों ब्रांचेस का प्रॉफिट वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा। दो ब्रांचेस को प्रॉफिट हुआ, दो को लॉस हुआ, उसके बाद रिकॉर्ड मेंटेन होगा बाकायदा कि ब्रांच ए डेबिट क्योंकि ब्रांच ए को प्रॉफिट हुआ, ब्रांच बी क्रेडिट क्योंकि ब्रांच बी को लॉस हुआ। हर ब्रांच का प्रॉफिट लॉस वो रिकॉर्ड करेगा और फिर अपना एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में भी अपने एक्सपेंस रेवेन्यू समरी को क्लोज करके ओवरऑल एक अमाउंट कैपिटल के हवाले करेगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था मरियम परवेज को। ओके, आगे बढ़ता हूँ। पॉइंट नंबर 18 जो है ना प्यारे बच्चों, ये हम पढ़ेंगे तकरीबन, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं गलत ना हूं, अगले से अगले हफ्ते, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। क्यों? मतलब ये पॉइंट से मुराद ये है कि खैर मैं आपको फॉर्मेट से तो पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने ये करवाया काम, मैं 5 ईयर पे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप मेरे फॉर्मेट में देखें ना, ओवर वैल्यूएशन कहाँ है, तो ये सेक्शन ए बी सी डी ई एफ जी एंड नाउ, अबे ओवर वैल्यूएशन कहाँ चला गया, ये रहा सेक्शन टू आई। अब हम अंदाजा लगाएं कि कितने सारी चीजें पढ़ने के बाद ये आ रहा है, लेकिन जब हम सवालात देख रहे होंगे, बुक में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको बेतहाशा ये ओवर वैल्यूएशन नजर आएगा और आप परेशान ना हो जाएं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज की क्लास में इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन बहुत लिमिट में रहते हुए। याद रहे इसके ऊपर 1 घंटा भी बोला जा सकता है, सही है, 1.5 घंटा भी बोला जा सकता है, लेकिन अभी इंसाफ नहीं होगा ना, अभी हम ये भूल जाएंगे, हम इसे पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। तो बेहतर है कि एक थोड़ा सा इसका आइडिया मिल जाए,
जब 17 पॉइंट बनाए तो 18वीं एंट्री तो बनवाऊंगा, ये थोड़ी है नहीं बनवाऊंगा, और कोशिश करूंगा जिस हद तक अच्छे से समझा सकता हूँ समझाऊं। चलिए बिस्मिल्लाह करता हूँ। मेरा ख्याल 18वें पॉइंट की एंट्री किसी ने नहीं बनाई, और अगर बनाई हो तो जहीन इंसान है वो, चाहे उसने गलत क्यों ना बनाई हो। मर्चेंडाइज सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस टू ब्रांच एट अबव कॉस्ट, एट अबव कॉस्ट। मैंने आपसे कहा ना, जैसा कि मुझे बीमारी भी है बोलने की, मैं एक्स्ट्रा बोलता रहूंगा, आप सुनते भी रहेंगे, आप तो हैं भी बड़े मासूम, लिमिट में लिमिट लगा के बात करने की कोशिश करते हैं, कोशिश। हाँ, बात यह है, जब हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेज रहा हो और ब्रांच उस सामान को जिस शहर में ब्रांच है वहां पर, ब्रांच अगर वो सामान खुद जाके खरीदे तो उसे पड़ रहा हो महंगा, और फिर वो उसे बेचे तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। कम, लेकिन क्योंकि उसे सामान कौन भेज रहा है, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस जो सामान उसे 1 लाख रुपए का लिख के भेजता है ब्रांच, वही 1 लाख रुपए का माल अगर वहीं की लोकल मार्केट से खरीदे, हैदराबाद से, कराची में हेड ऑफिस है, तो वो उसे वहां 1,20,000 का मिलता है, और ब्रांच उस सामान को बहुत मेहनत करके मैक्सिमम कितने का बेचती है, 1,30,000 का। कितने का बेच सकेगी, 1,30,000 खरीदेगी कितने का, लोकल मार्केट से कितने का खरीदेगी, 1,20,000 का, वही हैदराबाद से, है ना, और बेचेगी कितने का, 1,30,000 का। तो बड़ी शर्मिंदगी शर्मिंदगी से बताएगी कि प्रॉफिट हुआ बस, और इसमें से तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस होते हैं, फिर भी मैं ऐसी कह रहा हूं समझाने के लिए, बोलेगी बस 10,000 प्रॉफिट हुआ, ज्यादा चौड़े होने की कोशिश नहीं करेगी, अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़वाने की कोशिश नहीं करेगी, है ना, एग्री। आप बोलेंगे यस सर। लेकिन इसके बरक्स अगर आप सोचें, हेड ऑफिस ने सामान कितने का भेजा लिखकर, सामान था 1,00,000 का, हेड ऑफिस ने लिख के भी भेजा 1,00,000 का सामान है, ब्रांच ने बोला ओके आपने मुझे 1,00,000 का भेजा, अब ब्रांच उसको बहुत जान लगा के 1,30,000 में ना भी बेचे, ब्रांच कम जान लगाए, 1,25,000 में आराम से बेच लेगी, और चौड़े होके बोलेगी कितना प्रॉफिट हो कमा रही हूं, कितना प्रॉफिट कमा रही हूं, और जब प्रॉफिट कमाएगी ज्यादा तो ब्रांच मैनेजर, उस ब्रांच का मैनेजर, सारे ब्रांच मैनेजर के दरमियान चौड़ा होकर बैठेगा कि हमारी ब्रांच तो बहुत प्रॉफिट कमाती है माशाल्लाह, क्या ख्याल है। जब चौड़ापन आएगा तो वो ये भी कहेंगे कि हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाओ, बगावत भी हो सकती है। कैसी बगावत सर, हैदराबाद में वो लोग अपने नाम से ऑफिस खोल के बैठ जाए, क्या ख्याल है, सारे मामलात हैं। इन मामलात से बचने के लिए जब हेड ऑफिस को ये लगे कि ब्रांच बहुत ज्यादा मुनाफा कमा के दिखा रही है, वो ब्रांच के मुनाफे को छुपाने के लिए एक टैक्टिक इस्तेमाल करता है, क्या, वो देखता है कि यार जो सामान मैं ब्रांच को 1,00,000 का लिख के भेज रहा हूँ, ब्रांच ये अगर वहां से खरीदेगी तो 1,20,000 का है, 1,15,000 का लिख के भेजो अब इस सामान को, कितने का, 1,00,000, ताकि ब्रांच ये भी ना कहे कि आप मुझ पर एहसान ना करें, मैं खुद ही खरीद लूंगी यहाँ से, क्या ख्याल है, ब्रांच ये भी नहीं कह सकती आप मुझ पर एहसान ना करें, मैं खुद ही खरीद लूंगी, क्यों, वहां से 1,20,000 का है। जी काशांत भाई, ऐसा भी होता है, जब भी मैं बता रहा हूं, ले भाई इतना प्यारा सवाल आ गया, खुदा की कसम, अब किसने किया ये नहीं बोलूंगा, लेकिन सवाल आया ऐसा क्यों करेंगे, मैं आपको क्या बता रहा था इतनी देर से भाई, क्या आप मीटिंग में नहीं थे, मैं आपको यही बता रहा था कि ब्रांच जब ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिखाएगी तो ब्रांच अपने मुतालबात मनवाने के लिए, प्रॉफिट बेशक हेड ऑफिस को ही मिलेगा, प्रॉफिट हेड ऑफिस को ही मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल हेड ऑफिस को मिलता है, आई 100% एग्री, लेकिन भाई अगला जुमला भी तो सुने, आप एक बात बताएं मुझे, अपने ऊपर रख के सोच लें जरा थोड़ी देर, आप बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगी तो कंपनी को फायदा होगा ना, बोलिए, आप जब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगी तो कंपनी को क्या होगा, फायदा, लेकिन जब आपको कंपनी बार बार अप्रिशिएट करेगी, बार बार अप्रिशिएट करेगी, बार बार अप्रिशिएट करेगी, अवार्ड देगी,
तो फिर आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा, मेरे बगैर तो ये कंपनी चल, और वहीं से आपका सवाल शुरू होगा बेटा। हाँ नहीं सकती ना, जैसे सर इमरान अल्लाह ना करे अगर ये सोचने लग जाए कि मेरे बगैर मेरा ऑफिस नहीं चल सकता, बस तो ओनर इस बात के लिए पहले से तैयार होता है बेटा कि तेरे बगैर भी ये ऑफिस चलेगा बेटा, चला के दिखाएंगे हम। ऐसा नहीं होता, किसी के जाने से बिजनेस बंद नहीं होता। तो इसलिए हेड ऑफिस कहता है इससे पहले कि बगावत हो, ब्रांच का मैनेजर हर बार आके चौड़ा हो के बोले हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, तो हम पहले ही ठंडा कर देते हैं ब्रांच को। 1 लाख की चीज तो हम खरीद रहे हैं ना, उन्हें क्या पता हम कितने की खरीद रहे हैं। हैदराबाद में तो कितने की मिल रही है वो बोलो, बैठे बैठे हैदराबाद भेज दिया मैंने तुम लोगों को। हाँ हैदराबाद में तो कितने की मिल रही है बताओ ना इकरा। 1.30 की नहीं मिल रही भाई, 1.30 की हम बेच रहे थे बेटा पठान। तूने एग्जाम्पल ही नहीं सुनी, जब तो तू गलत समझ रही है। हैदराबाद में वो चीज जो हम यहाँ से 1 लाख रुपए की लिख के भेजते हैं, अगर ब्राज वहीं से खरीदे वो चीज तो उसे 1,20,000 की मिलती है मैडम, और फिर वो उसे बड़ी जान लगा के बेचती है, बड़ी जान लगा के बेचती है 1,30,000 का। तो फिर वो बताती है कि उसे प्रॉफिट हुआ कितना, बोलो इकरा। अगर आपका नेट खराब है ना इकरा, तो आप डेटा कनेक्शन यूज करें। आप डेटा कनेक्शन यूज कर रही हैं या आप घर पे इंटरनेट यूज कर रही हैं, ये बताएं, क्योंकि मेरी आवाज सब बच्चों को क्लियर आ रही है। फिर आप कोशिश करें कि घर के किसी ऐसे हिस्से में बैठे जहां सिग्नल प्रॉपर आते हो, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, लेकिन अच्छा है अभी भी आप समझे, वरना मजा नहीं आएगा इस तरह। सही है, हाँ घर के किसी ऐसे हिस्से में बैठे जैसे ड्राइंग रूम हो गया, या कोई ऐसा रूम जहां पे सिग्नल प्रॉपर आते हो, विंडो हो प्रॉपर, तो बेहतर होगा। मेरे बच्चों फाइनली मैं ये अर्ज कर रहा था कि 1,20,000 में जब उसे लिख के भेज, 1,20,000 की चीज जब वो खुद खरीद के 1,30 में बेचेगी, तो वो बोलेगी 10,000 प्रॉफिट हुआ। और जब हम उसे 1 लाख रुपए का सामान लिख के भेजेंगे और वो उस पर ज्यादा जान लगाए बगैर 1,25 में भी बेचेगी ना अगर, तो कहेगी 25,000 प्रॉफिट कमा के देती हूँ। हम बोलेंगे अच्छा बेटा अभी ठंडा करते हैं तुझे, क्या करेंगे 1 लाख की चीज को अब हम ओवर वैल्यू कर देंगे। मैंने आपसे पहले बोल दिया मैं इस पर बहुत देर बोल सकता हूँ बेटा, इतनी देर कि आप सो जाएं, सुला दूंगा मैं आप सबको, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ ना सुलाना, और मैं ये जानता हूँ कि ये अभी पढ़ाने के बाद आप दोबारा भूल जाएंगे। शराफत इसी में कि जो मैं कह रहा हूँ उसको फोकस करके सुन लें। अब ब्रांच क्या करती है, ब्रांच को हेड ऑफिस को पता होता है, हेड ऑफिस को पता होता है कि ये सामान कितने का है, 1 लाख का। हेड ऑफिस जानबूझ के इनवॉइस बनाता है, पर्चा बनाता है और लिखता है ब्रांच ये आपके लिए 1,15,000 का सामान है। ब्रांच मासूम होती है, उसे क्या पता कितने का है, वो कहती है ओके 1,15 का है। हाँ उसे इतना अंदाजा होता है कि अगर मैं ये यहां से खरीदूंगी तो ये कितने का मिलेगा, 1,20 का। तो ब्रांच कहती है ओके चलो ठीक है यार, हेड ऑफिस मुझे 1,15 का लिख के भेज रहा है, अब अगर मैं बगैर जान लगाए भी बेचूंगी तो कितने का बेच दूंगी, 1,25, 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा, और मैंने ज्यादा जान लगाई तो 1,30 का बिकेगा, 15,000 प्रॉफिट होगा। हेड ऑफिस ने क्या किया, 15,000 रुपए का प्रॉफिट छुपा दिया ना ब्रांच से, या नहीं छुपाया। दिस इज कॉल्ड ओवर वैल्यूएशन, ओवर कॉस्ट बताया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कॉस्ट बढ़ा के बताया। और इससे फायदा क्या हुआ, ब्रांच जो चौड़ी हो रही थी ना, चौड़ापन खत्म कर दिया उसका। अब ब्रांच मैनेजर आके ये नहीं बोल सकता मेरे मुलाजमीन बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, या हम उनकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे मामले आते हैं ना, ब्रांच मैनेजर ये भी नहीं कह सकता कि हमारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। बस यही होता है मैनेजमेंट का उसूल, किसी मुलाजिम को इतना अप्रिशिएट करें कि वो ओवर ना हो जाए, जहां वो ओवर होना शुरू होगा वहां से काम खराब होता है। आई होप आप सबने मेरी बात को बहुत अच्छे से सुना। अब एंट्री की तरफ आ जाते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया है, अल्लाह करे आपको समझ आया हो। इकरा बेटा समझ आया मेरा बच्चा, थोड़ा बहुत। वालेकुम अस्सलाम काशान साहब, बिलाखिर आपने ज्वाइन कर लिया, सब खैरियत है, लेट हो गया आज।
सर ओवर कॉस्ट से बिजनेस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना, तो यहाँ इसका काम क्या है, एंट्री कैसे बनेगी? काशान अहमद साहब, सर बात यह है कि ओवर वैल्यूएशन से बिजनेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सामान इन्हीं के पास है। काशान भाई आप बॉयज के ग्रुप में नहीं है? काशान, मोहम्मद काशान साहब आप बॉयज के ग्रुप में नहीं है, वो जो बीकॉम पार्ट टू के बॉयज का ग्रुप बना हुआ है? काशान अहमद, तुमने मोहम्मद काशान को ऐड नहीं किया? तो भाई मैंने अपने दस्ते मुबारक से बनफसे नफीस खुद मैसेज किया है कि आप लोग सेम लिंक पे आ जाएं, फिर भी काशान भाई चले, बहरहाल अब आप कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इस तरह मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे जरा। सही है। चले तो भाई सवाल आया था वो जवाब रह गया उसका। काशान भाई ने बोला था बिजनेस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता होगा। काशान भाई बात यह है, बिजनेस है एक, है ना, कानून की नजर में तो हेड ऑफिस ब्रांच एक ही है ना, क्यों, ओनर एक है ना। लेकिन मसला यह है मेरे भाई, जो सामान हमारी बुक्स में लिखा नजर आना चाहिए 1 लाख का, हम उसे ब्रांच को लिख के भेज रहे हैं 1,15,000 का। सोचना जरा, बड़ी लंबी बात है ये, तुमने सवाल बहुत नाजुक सवाल किया है। जब ओनर को बताया जाएगा हमारे पास मर्चेंडाइज कितने की है, साल के आखिरी दिन बिलफर्स ब्रांच ने उस 1,15,000 के माल को नहीं बेचा, साल के आखिरी दिन ब्रांच के पास, ब्रांच अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, वो कहेगी मेरे पास कितने का माल रखा हुआ है, बताओ, बोलो बोलो, 1,15। और हेड ऑफिस भी अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, वो कहेगा मेरे पास मर्चेंडाइज है बिलफर्स 2,00,000 रुपए की। सही है, हेड ऑफिस के पास मर्चेंडाइज बची 2,00,000 रुपए की। अब जब कंसोलिडेटेड है, सर क्या बोला, कंसोलिडेटेड मिलाकर इज्तिमाई बैलेंस शीट बनाई जाएगी, जिससे बिजनेस की ओवरऑल पोजीशन पता चले, मींस बैलेंस शीट बनाई जाएगी, तो उसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हेड ऑफिस के पास 2,00,000 की है, ब्रांच कह रही है 1,15,000 की है, ब्रांच अपनी बैलेंस शीट में 1,15,000 के दिखाएगी ना, क्योंकि आपने उसे लिख के भेजा था कितने का सामान है, 1,15,000 का। अब आप ये थोड़ी बोलेंगे ब्रांच को, नहीं नहीं वो तो मैंने बढ़ा के भेजा था, ऐसा करो तुम इसे 1,00,000 का लिख लो। ब्रांच कहेगी अच्छा बेटे ये ड्रामेबाजियां करते हो तुम हमारे साथ, तो ब्रांच को तो बताना ही नहीं है, ब्रांच मासूम है, उसको पता है कितने का सामान है 1,15,000 का, लेकिन हम जानते हैं वो कितने का है। अब बताओ, बोलो बोलो काशान भाई, सवाल तो कर लिया तुमने, छेड़ देते हो मुझे, फिर जवाब इतना लंबा होता है मैं क्या करूं। ब्रांच कहेगी वो सामान एक, हेड ऑफिस कहेगा वो सामान 1,00,000 का है, जो ब्रांच बावली बोल रही है 1,15,000 का, वो 1,15,000 का है ही नहीं, वो 1,00,000 का सामान है। तो जब हेड ऑफिस ओवरऑल बैलेंस शीट बनाएगा, तो वो अपनी बैलेंस शीट में अपनी मर्चेंडाइज 2,00,000 जमा ब्रांच की मर्चेंडाइज 1,00,000, 3,00,000 रुपए लिख के दिखाएगा। ओनर को तो दिखाएंगे ना मिनाल, क्या ख्याल है, ओनर को तो बताएंगे कि हमने ब्रांच को मर्चेंडाइज ओवर वैल्यू करके बताई है, ब्रांच मासूम, जो मर्चेंडाइज 1,15,000 की बोल रही है वो 1,15,000 की नहीं है, क्या ख्याल है? क्योंकि भाई ओनर जब बैलेंस शीट देखेगा, हेड ऑफिस की अलग, ब्रांच की अलग, और जब मिला के वो देखेगा तो वो कहेगा ये क्या, हेड ऑफिस तुम कह रहे हो तुम्हारे पास मर्चेंडाइज 2,00,000 की है, ब्रांच कह रही है हमारे पास 1,15,000 की है, तो टोटल तो 3,15,000 की बननी चाहिए। तुमने मिलाकर जो बैलेंस शीट बनाई कंसोलिडेटेड, उसमें तुमने 3,00,000 लिख के दिखाया, तो हेड ऑफिस कहेगा जनाब हमने उन्हें माल ओवर वैल्यू करके भेजा है ताकि उनका प्रॉफिट जरा कम नजर आए, वरना ब्रांच बहुत चैंपियन बन रही थी। जी सर रोजाना ही डाल रहा हूँ काशान भाई, लेक्चर का लिंक रोजाना, कल भी डाला था सर, जिम्मेदारी से, आपको पता है मैं तो काम जिम्मेदारी से ही करता हूँ, कोशिश करता हूँ करने की जिम्मेदारी के साथ, रोजाना मैं लेक्चर का लिंक डाल रहा हूँ। और मेरा ख्याल है आप, अब मुझे अपने चैनल की पब्लिसिटी की भी जरूरत है, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इतना बुरा नहीं है, पढ़ाई की चीजें होती हैं वहाँ पे, आप बोलें तो थोड़ी सी फनी वीडियो भी बना के डाल दिया करूं, क्या ख्याल है? चलें शुक्रिया। तो काशान भाई कैसा महसूस कर रहे हैं, काशान अहमद साहब,
ओके बेहतरीन, शुक्रिया जनाब जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, हम शुक्रगुजार हैं आपके, शुक्रिया। ओके बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खवातीन और हजरात का और बच्चियों का और बच्चों का शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा चले आप एंट्री बनाएं, बताओ सामान किसने भेजा। जनाब 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 सबने किया हुआ सब्सक्राइब भाई, गलती हो गई मुझसे बताओ किसने सामान भेजा, हेड ऑफिस ने भेजा, किसको भेजा, ब्रांच को। अच्छा आप एक काम करते हैं ना, अमाउंट के बगैर एंट्री बनाने में जरा समझ नहीं आई आपको, तो अमाउंट ले लेते हैं वही वाली जो मैंने बोली थी, कितने का सामान था, बहुत सोच समझ के जवाब देना, कितने का सामान था। वेरी गुड भाई चैंपियंस। अरे मरियम परवेज नहीं, अरहम अरहम तू बेटा हमारे साथ नहीं है, तूने गलत जवाब दिया है, दोनों बार गलत जवाब दिया, पहली बार भी और दूसरी बार भी। कितने का सामान था, गुस्सा मत दिलाओ अरहम मुझे तुम। अरहम सामान कौन भेज रहा है, अरहम सामान कौन भेज रहा है, तो उसको पता नहीं है कितने का सामान है, अभी तो बताया था मैंने तुम्हें कितने का है सामान। अच्छा नहीं मेरे पास तो किसी का माइक ऑन ही नहीं हो रहा, या तो फिर मेरा स्पीकर बंद हुआ हुआ होगा शायद, कुछ कह रहे हैं, एक मिनट शहरियार। हाँ आवाज तो आ रही है, अनम्यूट करके आप लोग देख रहे हैं तो आवाज तो आ रही है मेरे पास, तो आरम भाई ने कुछ नहीं कहा। हेलो जी 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 हेलो भी आ रही है, सब आ रही है भाई, सब आ रही है, हेलो हेलो सब आ रही है। इकरानास कितने का सामान था, खुदा का वास्ता दिमाग हाजिर रख के जवाब दो, कितने का सामान था बोल रहा हूँ, हेड ऑफिस सामान भेज रहा है, कितने का सामान था, तो फिर पहले बेवकूफ वाला जवाब क्यों दिया आपने। और हम अनम्यूट कर लो शराफत से अब तुम जरा, और हम अनम्यूट कर ले बेटा अब तू शराफत से। यस सर। ये 1/15 का सामान किसके लिए था, जो तुम 1/15 1/15 के तुम 1/15 के नारे लगा रहे हो ना, और तुमने आखिरी जुमला लिख के भेजा 1/15 का था ना जो 1/30 का बेचा था। आई 100% एग्री विथ योर स्टेटमेंट, बट 1/15 का तो किसके लिए था, ब्रांच के लिए, तो बेटा भेजा किसने है, ऑफिस ने, तो पहले शराफत से बता हेड ऑफिस के लिए कितने का था। 1,00,000। अब आए ना तुम लाइन पे, बाकी सब 1,00,000 लिख के भेज रहे हैं, लेकिन आप वाहिद आदमी हैं जो 1/15 का बोल रहे हैं, अब मान भी नहीं रहे, ये नहीं कि जल्दी से बोल रहे हैं, अब समझ आ गया हेड ऑफिस के लिए। सर मैं समझ रहा था कि ब्रांच के लिए कितने का ये। सर देखिए सर, सर एक बात बताएं विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर जब हम एंट्री बनाते हैं तो हम इस तरह सोचते हैं ना कि काम किसने किया, क्या ख्याल है, एंट्री बनाते हुए मेरा अंदाज क्या है, आप देख रहे हैं मैं हर ट्रांजेक्शन की एंट्री बनाते हुए मैं क्या, मैं आप खुद बताएं, ये जर्नल है क्या, मैंने ये जितनी एंट्री बनाई है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर उठा के देख लें, क्या हर बार मैंने एंट्री यहाँ बनाई है पहले, बताएं मुझे, हैं? नो सर। नहीं ना, मैंने एंट्री बनाई है मेरिट पर, जहां ट्रांजेक्शन हो रही है पहले, जो परफॉर्म कर रहा है, जो काम कर रहा है, एंट्री पहले उसी की बुक में बना रहा हूँ, जब ब्रांच ने कहा उसे प्रॉफिट हुआ तो पहले मैंने यहाँ एंट्री बनाई, सही है। इसी तरह आज मर्चेंडाइज कौन भेज रहा है, हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच मैंने तुम्हें माल भेजा। अच्छा अब हेड ऑफिस को तो पता है वो माल कितने का है, 1,00,000 का, लेकिन ब्रांच को कितने का लिख के भेज रहे हैं बताओ, ब्रांच को कितने का लिख के भेज रहे हैं, तो ब्रांच को लिख के भेज रहे हैं 1/15 का, तो अब ब्रांच हमारा एहसान भी अपने पास रिकॉर्ड करेगी कितना, 1/15 का, 1/15 का, अगर हमने लिख लिया कि हमारी ब्रांच की औकात है 1,00,000 की, तो बाद में औकात मैच नहीं होगी ना, या होगी, हाँ
सर समझ में नहीं आया है, शायद कोई ये बोले मासूम। अरे हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच तुम्हारी औकात है 1 लाख, ब्रांच कहेगी हेड ऑफिस आपने मुझ पे एहसान किया 1/15। बोलेंगे ओहो गलती हो गई, गलती हो गई, नहीं तुम 1 लाख कर लो। नहीं भाई, जब इन्होंने सामान 1/15 का लिख के भेजा है उन्हें, तो ब्रांच ने एहसान भी रिकॉर्ड किया होगा 1/15, तो हेड ऑफिस भी कहेगा मेरी ब्रांच की हैसियत है, मेरी ब्रांच पर मेरा एहसान है कितने का। सही है, समझ आ रही है? ओए होए शहरयार भाई, तो भाई फुल चल रहे हैं इंग्लिश, उन्होंने तो बता दिया 15,000 की ओवर वैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे, क्या बात है, जबरदस्त भाई जबरदस्त, छा गए शहरयार भाई, छा गए आज, मैच मैन ऑफ द मैच है आज। मर्चेंडाइज सेंड, यहाँ से क्यों लिख रहा हूँ इतनी मेहनत से, यहाँ से छापो ना पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पन भी तो कोई चीज है। मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट, कितने की मर्चेंडाइज भेजी, सोच समझ के बोलना। ये कहेगा मेरे पास से मर्चेंडाइज तो कितने की गई, मेरे पास से मर्चेंडाइज 1 लाख की गई, एंट्री बैलेंस हो रही है नहीं। वर्दा कहाँ है आज, वर्दा मरियम, वर्दा नजर नहीं आ रही आज, किसी भी क्लास में नहीं थी, अब तो खैर ऑनलाइन है, अब तो आप लोगों को एक दूसरे का पता ही नहीं होता होगा कौन कहाँ है, कौन है कौन नहीं है। चलें बहरहाल, आज है भी 16-17 बच्चे, 16-15-16। जी जनाब, एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, और पता है क्या हुआ है, सुनिएगा जुमला, हेड ऑफिस ने 1 लाख के सामान को 1/15 का कह के दिया है, यानी इसने अपनी ब्रांच की वैल्यू में क्या रिकॉर्ड कर लिया, 15,000 ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन तो है, उसको आसान जुबान में बोलो, इतनी मुश्किल जुबान ना बोलो, आसान जुबान में बोलो ये क्या रिकॉर्ड कर लिया, आसान जुबान में बोलो, आसान तरीन जुबान, आसान तरीन जुबान। सर प्रॉफिट, क्या बात है भाई, मिनल शुक्रिया, और आखिर में काशान भाई का भी शुक्रिया, उसने प्रॉफिट लिख के भेजा, इधर से काशान ने प्रॉफिट बोला, ये आसान तरीन बोलना था, आप लोग बेकार में इतनी अंग्रेजी बोल रहे हैं, ज्यादा कीमत, अबव कॉस्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट, ओवर कॉस्ट, ये सब नहीं बोले, सिंपल, आज हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच की वर्थ को 15,000 से ज्यादा रिकॉर्ड करके वो प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया जो अभी कमाया भी नहीं है। सर क्या मतलब कमाया नहीं है, वो भाई हो सकता है ब्रांच सारा का सारा सामान वापस भेज दे और बोले हमसे नहीं बिक रहा, हमसे नहीं बिक रहा, तो इसका मतलब है आज ब्रांच को ओवर वैल्यू किया, उसके ब्रांच के अकाउंट में प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हम कमाएंगे वो इसमें रख दिया। हाँ नहीं, ब्रांच तो अब ये प्रॉफिट बताएगी नहीं ना, ब्रांच तो 1/15 के सामान को बेचेगी 1/20 में और बोलेगी मैंने 5,000 प्रॉफिट कमाया, हम बोलेंगे ब्रांच तुम बावली हो, तुम्हें क्या पता तुमने क्या कमाया, तुम कह रही हो तुमने 5,000 प्रॉफिट कमाया, हम कहेंगे 5,000 तो ब्रांच ने बताया और 15,000 हमने ब्रांच से छुप के कमाया, समझ में आया, ब्रांच बावली बोलेगी उसने कितना कमाया, 10,000, 15,000, 5,000, क्योंकि वो 1/15 के सामान को 1/25 में भी बेचेगी ना, तो वो बोलेगी 10,000 प्रॉफिट कमा के दे रही हूँ मैं हेड ऑफिस आपको, हेड ऑफिस बोलेगा बहुत जबरदस्त ब्रांच, वेल डन, फिर दिल में बोलेगा बावली है साली, 10,000 कमा रही है ये समझ रही है, जबकि इसने तो 25,000 कमा के दिए मुझे, तो अब लेकिन अभी तो कमाए नहीं है ना बेटा, अभी तो ब्रांच में वो माल गया है, तो अभी तो वो पैसे प्रॉफिट नहीं बने, लेकिन हमने उस प्रॉफिट को लिख लिया किस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट मार्जिन रखना अलग चीज होती है और रिकॉर्ड करना अलग, आज हमने उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लिया इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच के अकाउंट में, और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना अलाउ, प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नहीं है, फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, प्रॉफिट होने के बाद तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट होने से पहले रिकॉर्ड नहीं होता, जबकि एक्सपेंस फ्यूचर का रिकॉर्ड हो सकता है।
मैंने बोला था ना, मैं इस पर बहुत देर बोल सकता हूँ, और अभी भी मैंने बहुत लिमिट में बोला है। मसला ये, कोई चीज पढ़ाओ और वो पूरी ना समझाओ ना, तो मुझे मजा नहीं आता। सीधी सी बात है, मतलब मैं बोलूँ ये आगे जाके पढ़ेंगे तो इससे बेहतर है मैं या तो समझाऊ ही नहीं इस पॉइंट को। तो अब जब समझ रहे हैं तो फिर बेहतरीन तरीके से समझो। ये आधा 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 तीतर आधा बिटेर मुझे नहीं आता। हाँ, फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड करना मना है। तो हमने उस प्रॉफिट को एक ऐसा अकाउंट बनाया जो प्रॉफिट को कर दे खत्म। पता नहीं भाई हफ्सा, मैं इस लिहाज से तो कभी पढ़ाता ही नहीं हूँ कि आज एक सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे या नहीं। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं तो 10-15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, पूरा यूनिट भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप अगली मीटिंग के लिए आ जाएं 15 मिनट के लिए, तो हम हो सकता है सवाल की तरफ चले जाएं। सही है, वरना अगली क्लास में जाएंगे, जैसे भी हो। पहले इसको मुकम्मल कर लें जरा, फिर बात करता हूँ इस बारे में ही बात करता हूँ। अभी 8 मिनट हैं। इसका मतलब है, अगर ब्रांच को हम समझते हैं, कौन सा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, सब बच्चे जवाब दें। अगर हम ब्रांच को समझते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, कौन सा अकाउंट, लिख के जवाब दें प्लीज, बोले नहीं वरना फिर सब वही बोलते हैं। सब बच्चे जवाब दें, जो जवाब नहीं दे रहा ना बेवकूफ इंसान है वो दुनिया का। गलत जवाब भी आएगा तो कम से कम मुझे पता तो चल जाएगा। शरियार भाई, एक नेचर हम समझते हैं, मैंने बोला है तो टेम्परेरी अकाउंट, समझते हैं मैंने बोला, समझते एसेट। तो अगर हम इसे एसेट समझते हैं तो ये है इसका कॉन्ट्रा एसेट, क्योंकि इसमें प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ और अकाउंटिंग कह रही है प्रॉफिट पहले से रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है। और अगर हम इसको रिकॉर्ड ना करें तो फिर मसला क्या होगा, हेड ऑफिस और ब्रांच की बुक्स आपस में टैली मंथ एंड पर जब ये एक दूसरे से पूछेंगे, हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच मेरे आप पे एहसान आते हैं 1,00,000 रुपए के, ब्रांच बोलेगी नहीं नहीं आपके तो 1,15,000 के एहसान है हम पर। तो इसका मतलब है बुक्स आउट हो जाएंगी ना। ओनर कहेगा ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है, हेड ऑफिस कहता है मेरी ब्रांच की वैल्यू है 1,15,000 रुपए, ब्रांच कह रही है नहीं हेड ऑफिस आपने मुझे 1,15 का सामान भेजा, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हेड ऑफिस क्या करता है, अपनी ब्रांच की वैल्यू को ओवर वैल्यू करता है, और उसकी असल औकात जानने के लिए, जैसे ओनर पूछे हमारी ब्रांच की इस वक्त क्या वर्थ है, ओनर पूछे अकाउंटेंट से हेड ऑफिस के हमारी ब्रांच की इस वक्त क्या वर्थ है, तो अकाउंटेंट बोलेगा सर हमारी ब्रांच की वर्थ है 1,00,000, हालांकि ब्रांच कितने से डेबिट हुआ है। तो वो कैसे बताएगा 1,00,000, वो कहेगा 1,15 से ब्रांच डेबिट की हुई और 15,000 हमने अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन में क्रेडिट किया हुआ है, इसका मतलब है 15,000 हमने ब्रांच की वर्थ को बढ़ाया हुआ है, उसकी वर्थ इतनी नहीं है, 15,000 हमने उसको ओवर वैल्यू किया हुआ है। तो जब 15,000 को इस 1,15 में से क्या कर दिया लेस, ब्रांच की असल औकात जानने के लिए, इसका मतलब है अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन हमारी ब्रांच का कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। क्लियर, समझ आया, बताओ सब बच्चे ईमानदारी से ये एंट्री समझ आई? जी सर। ओके जी, शुक्रिया आप सबका, अगर समझ आई अल्लाह करे। ब्रांच ने बोला मुझे सामान मिला, क्या मिला ब्रांच को, सामान, सामान, सामान लिख दूं बेटे यहाँ पे SAMAAN, सामान, हैं काशान, सामान लिख दूं यहाँ पे सामान, नो सर मर्चेंडाइज लिखे, लिख दिया, कितने के लिखो, कितने के लिखो, 1,15,000, एक्सीलेंट, 1,15,000, और ब्रांच बिचारी मासूम है, क्या बोला, ब्रांच बिचारी मासूम है, ठीक है, उसे उसे कुछ नहीं पता ये कितने का है, वो बोल लिया हेड ऑफिस मैं आपकी शुक्र गुजार हूँ आपने मुझे 1,15 का माल भेजा, आप 1,15 के मालिक हैं मुझ में, मैं आपको 1,15,000 देने की पाबंद हूँ, ये 1,15 मेरी जिम्मेदारी है। क्या समझ आया इससे, इससे ये समझ आया कि ओवर वैल्यूएशन का ब्रांच से कोई ताल्लुक नहीं। ब्रांच को पता भी नहीं होता कि ओवर वैल्यूएशन हुई है, ब्रांच अपनी रूटीन के मुताबिक जिंदगी गुजार रही होती है, लेकिन हेड ऑफिस यहाँ पे क्या कर रहा होता है, छुप छुप के मुनाफा कमाता है, छुप छुप के मुनाफा कमाता है। तो जब कमाता है फिर क्या एंट्री बनती है, जब ब्रांच कहती है मैंने सारा सामान बेच दिया, तो हेड ऑफिस कहता है अच्छा सारा सामान बेच दिया,
एक 15 का सामान तुमने एक 25 में बेचा, 10,000 प्रॉफिट, और फिर कहता है ये 15,000 भी अब हमारा प्रॉफिट, ये 15,000 भी अब हमारा प्रॉफिट बोलो बन गया, हो चुका। फिर इसे यहां से निकालता है अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन डेबिट, और प्रॉफिट को कहां डाल देता है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में। ऐसी बातों बातों में मैंने आपको अगली एंट्री भी बता दी, जब हेड ऑफिस बताता है, जब ब्रांच कहती है मैंने सारा माल बेच दिया, खुशी खुशी फोन करती है, बोलती है बॉस ये 15 का सामान एक 25 में पहना दिया, बोलते वेरी गुड ब्रांच तुम बहुत जहीन हो, और ब्रांच खुद ही बोलेगी 10,000 प्रॉफिट कमाया है, वो रिपोर्ट करेगी हमें, बोलेगी हमें 10,000 प्रॉफिट हुआ है ना। फिर हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच ने 15,000 प्रॉफिट भी कमा के दिया है, लेकिन उसे पता ही नहीं है उसने कमा के दिया है अलाउंस। तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत सही है। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बातें अच्छे से समझ आई होंगी अल्लाह के हुक्म से। एक मिनट, पर बच्चों अब बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रीज का फेस खत्म हुआ डेमोंस्ट्रेशन का। अब हमारे पास कुछ सवाल तो हैं, यहाँ पे भी सवाल है, और आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका शराफत से, जल्दी से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, पूरे सवाल का ये लें। एक स्क्रीनशॉट हो जाए शाबाश। वो क्या बोलता था अपना, भूल गया मैं अपना, कौन सी फिल्म है यार याद ही नहीं आ रही, भैया जी इस्माइल, हाँ याद आया। तो जरा इस्माइल के साथ एक अपना मुंह लगा के यहाँ पे इस जगह सेल्फी ले लीजिए, शाबाश। हो गई सेल्फी, वेरी गुड। करना क्या है आपने, अब आप मेरी प्रेजेंस में करना चाहते हैं, मेरी प्रेजेंस में कर ले, मैं अगले 15 मिनट के लिए हाजिर हो जाता हूँ, वरना आप खुद ये काम कर सकते हैं। आज आप अपने पास हेडिंग डालेंगे नसीम एंड को, उसके नीचे लिखेंगे जर्नल, जर्नल हेड ऑफिस। हाँ होमवर्क कह लें, इसे क्या ख्याल है, एक मिनट है होमवर्क समझा देता हूँ। दूसरे पेज पे जर्नल बनाएंगे, प्रॉपर प्रॉपर जर्नल, दो अलग अलग पेजेस पे बनेगा अब प्रॉपर जर्नल। और जरूरी नहीं है कि एंट्री आमने सामने हो, क्या बोला, जरूरी नहीं कि एंट्री आमने सामने हो, अब दो अलग अलग पेजेस पे जर्नल बनेगा, नसीम एंड को जर्नल, जर्नल हेड ऑफिस, नसीम एंड को जर्नल, जर्नल ब्रांच। आप हेड ऑफिस के ट्रांजेक्शन पढ़ते जाएंगे, जो ट्रांजेक्शन सिर्फ हेड ऑफिस से रिलेट करती होगी वो हेड ऑफिस की बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी, और जो ट्रांजेक्शन रेसिप्रोकल होगी वो हेड ऑफिस में भी रिकॉर्ड होगी और ब्रांच में भी रिकॉर्ड होगी। फिर जब हेड ऑफिस की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर आप रिकॉर्ड करेंगे ब्रांच के ट्रांजेक्शन, और ब्रांच में भी यही रूल होगा। आखिरी बात सुने गौर से, गौर से, जैसे ये रिमिट कैश टू ब्रांच, ये हेड ऑफिस में भी रिकॉर्ड होगा और ब्रांच में भी रिकॉर्ड होगा, लेकिन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ये एंट्री सिर्फ कहां बनेगी, बोलो जल्दी, खत्म होने वाली है मीटिंग, ये एंट्री सिर्फ कहां बनेगी, हेड ऑफिस में। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, समझ आया, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, बस इस तरह एंट्रियां बनाना धमाधम, अल्लाह के हुक्म से काम कर लोगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, सही है, कोशिश करेंगे आप सब लोग। और अगर आप चाहते हैं क्लास इसके बाद हो तो मैं हाजिर हूँ, हम 15-20 मिनट कर सकते हैं काम, या आप लोग खुद कोशिश करेंगे, एक सवाल इनफ है, बस सही है, फिर इंशाल्लाह खुद खुद करते हैं, सही है, अगले वीक मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह, ख्याल रखिएगा अपना सब, मेरी तरफ से फियामान अल्लाह, किसी भी वक्त मीटिंग।